कोयला घोटाले मामले की गायब फाइलों को लेकर संसद में भारी हंगामा। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया, अंतर मंत्रालय समिति कर रही है इसकी जांच। विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं, दोनों सदनों की बैठक बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मांग की है कि कोयला घोटाले में गायब फाइल के बारे में प्रधानमंत्री सदन को बताएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोल घोटाले में जो फाइल गायब हुई है उसमें कई नेता शामिल हैं। लोकसभा में खगड़िया रेल हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने किया घटनास्थल का दौरा। पाकिस्तान ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लगातार 10वें दिन भी आज किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। हमीरपुर में भारी गोलाबारी, भारतीय सैनिकों ने भी की जवाबी कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को देश भर में मनाया जा रहा है सद्भावना दिवस के रूप में। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना आज से दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में लागू। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अदालत ने सुनवाई बंद कमरे में करने का दिया आदेश। आज मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स में 61 अंकों की कमी, 18,246 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 13 अंकों की गिरावट के साथ 5,401 पर हुआ बंद। पाकिस्तान में रावलपिंडी की एक अदालत में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में आरोप तय। मुशर्रफ पर हत्या और हत्या की साजिश समेत 3 आरोप। मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप में घात लगाकर किए गए एक हमले में 25 पुलिसकर्मी मारे गए। सुरक्षा बलों के अनुसार गजा सीमा पर रफा शहर के नजदीक 2 बसों में जा रहे पुलिसकर्मियों पर सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया। बढ़ते तनाव के बीच मुस्लिम ब्रदरहुड के आध्यात्मिक नेता मोहम्मद बादी को काहिरा में किया गया गिरफ्तार। फोर्ब्स की ताजा रैंकिंग में 180 करोड़ की सालाना कमाई के साथ भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 16वें नंबर पर आए। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी जेसी राइडर को 6 महीने के लिए क्रिकेट के खेल से प्रतिबंधित किया गया। राइडर पर यह प्रतिबंध डोप टेस्ट में फेल होने के बाद लगाया गया है। राइडर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं देंगे। आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई।